हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल स्टार एकेडमी बांदा। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का पहला चैप्टर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि सजीव जगत की विविधता। ठीक, ये मेरा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 का ये पहला लेसन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत ही छोटी क्लासों में शुरू से पढ़ते चले आए होंगे कि सजीव जिसमें जान होती है वो सजीव है, जिसमें जान नहीं होती वो निर्जीव है। तो एक आप बेसिक समझने के लिए आप पढ़ते चले आए हैं और आप यही चीज समझते भी हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि जान किसमें होती है या प्राण किसमें होते हैं या प्राण किसमें नहीं होते हैं, तो ये बताने में आप थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी आपको। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो देखिए, सजीव और निर्जीव के बीच में, दोनों के बीच में एक जो है अंतर को हम लेकर चलेंगे और इसको ही समझते चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सजीव क्या है, तो आप बताओगे कि ऐसे जीव जिनमें क्या हो कि उपापचय की क्रिया हो, क्या हो, उपापचय की क्रिया हो, यानी कि उसमें क्या हो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सजीव। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो होती हैं जो कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल अभिक्रियाएं हो रही हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं उपापचय क्रियाएं। तो ये क्रियाएं केवल और केवल सजीव में ही पाई जाती हैं, निर्जीव में नहीं होती। जैसे आप लोग देखते हैं कि ये मैं डस्टर ले लूं, ये डस्टर आपको शुरू में समझाया गया होगा छोटी क्लासों में ऐसे ही, ये डस्टर मैं ले लूं तो इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे आप निर्जीव या सजीव? तो आप इसको बताओगे निर्जीव। कैसे जान गए? ऐसे जान गए कि इसमें कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रही हैं, यानी कि ना तो इसमें श्वसन हो रहा है, ना तो इसमें जनन हो रहा है, ना तो इसमें पाचन हो रहा है, और ना ही इसमें हिलने डुलने का कोई गुण है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जहां पर आप अपने हाथों से उठाकर रख दोगे वहीं पर ये रखा रहेगा। ठीक, तो आप ये बता सकते हो कि ये निकला लेकिन लिविंग से ही है, यानी कहने का मतलब है कि डस्टर बना सजीव से ही है, लेकिन जब ये इसमें पेड़ पर लगा था, यानी कि लकड़ी पेड़ पर थी, तब ये सजीव था। लेकिन जैसे ही हमने उस लकड़ी को काट कर और उससे एक हमने डस्टर निर्मित कर लिया, तो ये क्या हो गया, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ गया। ठीक, तो आप बता सकते हो कि अधिकतर जो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव है वो क्या होते हैं, सजीवों से ही बने होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो मैं देखिए अंतर लेकर चलता हूँ दोनों के बीच में। तो एक तरफ मैं लिखे दे रहा हूँ सजीव और एक तरफ लिखे दे रहा हूँ निर्जीव। सजीव और एक तरफ मैं लिखूंगा निर्जीव। ठीक, सजीव को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, लिविंग, लिविंग, और निर्जीव को कहते हैं हम नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक, तो देखें स्टूडेंट्स, सजीव की तरफ आप पहला नंबर बताओगे कि सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, और इधर क्या कहोगे, इधर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती हैं। ठीक स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरी होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरी होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो देखिए, एनाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं कि किसी जो है सरल अणुओं से जटिल अणु का बनना, क्या बनना, किसी सरल अणुओं से जटिल अणुओं का बनना। जैसे आपका प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, एक आपका प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया,
और कैटाबॉलिक में आप बताओगे कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें जटिल अणुओं से सरल अणु बनते हैं, यानी कि जटिल अणु सरल अणुओं में टूट जाता है, तो इसमें आप बताओगे पाचन, श्वसन, तो ये किसके अंतर्गत आ गए, ये आ गए आपके कैटाबॉलिक के अंतर्गत और ये आ गए आपके एनाबॉलिक के अंतर्गत। जबकि निर्जीव की तरफ ऐसी कोई भी क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखें तो उसमें आप बताओगे कि सजीवों में, सजीव जो होते हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सजीवों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि क्या होगा, कोशिकीय संगठन पाया जाता है। और कोशिकीय संगठन का मतलब है कि यह एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। निर्जीव की तरफ क्या बताओगे आप, निर्जीव की तरफ बताओगे कि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का अभाव होता है, क्या होता है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, अब आगे हम बात करें तीसरे नंबर की बात करें तो आप लोग बताओगे सजीव की तरफ, आप लोग बताओगे तीसरा नंबर कि इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं में जब कोशिकाएं बढ़ती हैं, यानी कि कोशिकाओं का जब नंबर बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, यानी कि इसमें वृद्धि का गुण होता है और इधर कोई भी कोशिकाएं नहीं बढ़ती हैं, जब कोशिकाएं इसमें होती नहीं है तो इसमें कोशिका वृद्धि नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि वृद्धि जो सजीवों में होता है तो वह एक कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो कोई अगर बच्चा है तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी वृद्धि होगी, क्या होगा, उसकी धीरे धीरे वृद्धि होगी, यानी कि वो किशोरावस्था में पहुंचेगा, वयस्क होगा, फिर इसके बाद क्या होगा कि वो जीर्ण हो जाएगा, यानी कि वो बूढ़ा हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर निर्जीव की बात करें तो इसमें भी आप बता सकते हो कि वृद्धि का गुण होता है लेकिन इसमें शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, इसमें बाहरी वृद्धि होती है। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स देखे होंगे पहाड़, ये पहाड़ हो गया, यानी कि अगर देखें तो छोटा सा पहाड़ है तो कुछ सालों बाद क्या होगा कि ये बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये बाहरी जो है दृष्टि से क्या होगा, इसके अंदर शरीर के अंदर से वृद्धि नहीं करेगा, बाहरी वृद्धि करेगा, यानी कि आप लोग जानते हो कि जो चट्टानें होती हैं वो क्या होता है, नीचे से आप जो मृदा है वहां से चट्टानें बनती रहती हैं, तो क्या होगा कि ये वृद्धि करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से बताओगे कि इसमें शारीरिक वृद्धि होती है, यानी कि शरीर के अंदर से वृद्धि होती है, जबकि इसमें कोई भी ऐसी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद चौथा नंबर ले लें अगर तो इसमें जनन होता है, सजीवों में जनन होता है, यानी कि अपने ही समान संतानें ये उत्पन्न करता है, जबकि निर्जीव में ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद पांचवा नंबर आप बताओगे कि इसमें चेतना पाई जाती है, क्या पाई जाती है, चेतना पाई जाती है, जबकि निर्जीव में चेतना नहीं पाई जाती है। चेतना का मतलब क्या है कि जैसे आपको किसी ने स्पर्श कर लिया या तो आप लोग तुरंत उसकी तरफ मुड़ के देखते हो, या किसी ने कुछ आपको पुकारा तो आप उसकी तरफ देखते हो, या फिर ठंड का मौसम है तो आपको ठंडी लगती है, या फिर गर्मी का मौसम है तो आपको गर्मी लगती है, तो इस प्रकार से ये चेतना इसमें पाई जाती है और इसमें स्वचेतना मनुष्यों में पाई जाती है।
चेतना में भी स्वचेतना जो होती है वो मनुष्यों में पाई जाती है, जबकि निर्जीव की तरफ ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये आपके जो है सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर हुए। अब इसके बाद आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं हम डाइवर्सिटी, यानी कि इसमें अगला नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसकी हम बात करेंगे, वो क्या होगा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता। डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे और इसको नोट भी करते रहें, जहां पर आपको लगे इसको नोट करना चाहिए तो आप उसको पॉइंट वाइज नोट भी कर सकते हैं। डाइवर्सिटी देखिए अगली हेडिंग पढ़े, डाइवर्सिटी क्या है यानी कि जैव विविधता क्या है। तो आप लोग स्टूडेंट्स बताओगे कि जैव विविधता जीवों में होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की विविधता है, उसको हम क्या कहते हैं जैव विविधता। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मैं इस रूम पर हूँ, ठीक, तो इस रूम पर आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड है, मैं हूँ, ठीक, और मेरे आसपास अगर देखें मेरे सराउंडिंग में तो चारों तरफ देख रहे होंगे मेरे बाजू में क्या है, एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक, और कुत्ते भी घूम रहे होंगे। तो इस प्रकार से यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रजातियां यहाँ उपस्थित हैं। कहने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी में बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां उपस्थित हैं जिनके कारण ये जैव विविधता होती है। आए समझ में स्टूडेंट्स, ठीक। जैसे मान लीजिए कि इस रूम पर छिपकली है तो ये क्या है, ये भी एक जैव विविधता है। क्यों? क्योंकि छिपकली एक अलग प्रजाति हो गई और मैं जो है एक अलग प्रजाति का हो गया, तो इस प्रकार से ये क्या है जैव विविधता है। जैव विविधता तीन प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। पहला है आपका आनुवंशिक विविधता, जैव विविधता। दूसरा आपका हो गया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिकी जैव विविधता, और तीसरा है आपका जातीय जैव विविधता। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये तीन प्रकार की जैव विविधता होती है। अब देखिए इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे पूरे पृथ्वी पर लगभग 15 मिलियन यानी कहने का अर्थ है 15 मिलियन यानी कि 50 लाख के आसपास क्या हैं हमारे पृथ्वी में जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीव ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। लेकिन अभी तक 2004 के हिसाब से अभी तक केवल 1.7 से 1.8 मिलियन तक जो है जीवों की पुष्टि हो सकी है, या कह सकते हो कि इतने ही जीव जो है हमारे पृथ्वी में अभी तक वर्गीकृत किए जा चुके हैं, बाकी के अभी तक वर्गीकृत नहीं किए जा चुके हैं। यानी कहने का मतलब है कि अभी तक मात्र 10 से 12% ही जो है हम जीवों को जान पाए हैं। ठीक, अपनी पृथ्वी में जीवों के बारे में हम 10 से 12% ही जान पाए हैं, बाकी जो है प्रजातियां अभी तक भी उनके बारे में हम पता नहीं लगा सके हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखिए इनमें से अगर हम बात करें तो लगभग 1.2 या 3 के आसपास आपके एनिमल्स हैं, एनिमल्स, और इसके बाद आप लोग देखें तो बाकी 0.5 करके या 4 करके आपके प्लांट्स हैं, और लगभग 10 लाख के करीब आपके इंसेक्ट्स हैं यानी कि कीट हैं। क्या हैं? कीट हैं, कीड़े मकोड़े। इसीलिए आप लोग देखते हो कि इंसेक्टा जो होता है उसको अपने फाइलम में सबसे ज्यादा जीव होने की वजह से हम सबसे बड़ा इसको फाइलम मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई इतनी, यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें इंसेक्ट्स पढ़ते हैं, तो आर्थ्रोपोडा संघ में क्या है कि सबसे बड़ा उसको हम फाइलम मानते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जीव आते हैं, लगभग 10 लाख इंसेक्ट्स उसमें पाए जाते हैं। तो ये जैव विविधता आपको समझ में आई होगी। यहीं पर एक बात और कर लेते हैं हम कि ये जो आंकड़ा ये जो बताया गया है, ये आंकड़ा बताया है स्टूडेंट आईसीआईयू
सीएन के द्वारा, किसके द्वारा, आयु सीएन के द्वारा। इसका जो है फुल फॉर्म क्या होगा, वो होगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस रिसोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस आधार पर इस जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस के आधार पर ये आंकड़ा 1.7 से 1.8 बिलियन तक का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको खूब समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वर्गी क्या है, ठीक, और वर्गीकरण क्या है, तो इसके आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे।